आज भारतवासियों को इतना बड़ा पाप लग रहा है जिसका कोई अंदाजा ही नहीं। आज लोग गर्मी से तड़प तड़प के खड़े खड़े मर रहे हैं, लेकिन एक कितना बड़ा पाप किए हैं जिसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है गर्मी किस वजह से पड़ती है? सबसे ज़्यादा गर्मी अगर पेड़ पौधे नहीं रहते हैं उनके वजह से पड़ती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और फिर बरसात भी नहीं होती है जिसके वजह से गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। हर मिनट में लगभग 2400 पेड़ की कटाई होती है। अब आप समझ सकते हैं अपने भारत में इतनी बुरी स्थिति हो गई है। आपको पता होगा एक समय आंदोलन चला था चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ कटाई हो रही थी उत्तराखंड में, कितनी महिलाओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी और अपने देश को बचाने के लिए, हमको सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन उनका आंदोलन तो चला, लेकिन एक भी कोई नेता, एक भी इंसान कोई उनके सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ। आज हम राजनीति के चक्कर में, एक बलात्कार हो जाता है, एक रेप हो जाता है, तो हम पूरी फौज लेके खड़े हो जाते हैं, सभी विपक्षी पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, लेकिन जब जंगल बचाने की बारी आई तो कोई नहीं खड़ा हुआ वहाँ पे। बेचारे चिपको आंदोलन चला दिए थे उत्तराखंड में, ये बहुत पहले की बात है, 70-77 की बात है। तो उस समय उनका कोई बहुत कम लोग सपोर्ट किए, कितने बेचारे मारे भी गए, तो उसका आज परिणाम निकल रहा है, आज हम लोग भुगत रहे हैं। फिर इसके बाद दूसरा नंबर आता है छत्तीसगढ़ में हंसदेव जंगल। जब हंसदेव जंगल की कटाई हो रही थी तो सिर्फ आदिवासी बेचारे आगे आए, आदिवासी लगातार प्रदर्शन करते रहे, कटने नहीं दिए, फिर भी रात रात को चोरी चोरी पेड़ कट गए, कितने 200-250 दिन लोग धरने पे बैठे रह गए बिना खाए पिए, बेचारे सिर्फ आदिवासी। और हमारे जैसे लोग, आप जैसे लोग महलों में बैठ के राजा की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको क्या पता ऑक्सीजन की कीमत क्या है। उनको लगता है कि हमारे पास एसी है, हमारे पास पैसा है तो हम जी लेंगे। अब सब लोग मरो, यहाँ ट्रांसफार्मर खड़े खड़े जल रहा है, एसी जल रही है। अगर ये जंगल आप भी लगाते, आप भी पेड़ पौधे लगाते तो ऐसा क्यों होता? आज उन्हीं बेचारों का पाप जो है निकल रहा है। तो जैसी नीयत होती है वैसी ही बरकत होती है। सही कहा ना दोस्तों? अभी अपने भारत देश में सब कुछ जाति के अनुसार होता है, धर्म के अनुसार होता है। अभी दलित का रेप हो जाए तो दलित ही चिल्लाएगा, अभी हिंदू का कोई मर्डर हो जाए सिर्फ हिंदू चिल्लाएगा, अभी किसी मुसलमान को का शोषण हो तो सिर्फ मुसलमान चिल्लाएगा। ये नहीं सोचेगा कि हमारे देश की बात है तो उसके लिए हम सबको लड़ना होगा। तो उसी तरह से जब बेचारे आदिवासियों का जब जंगल कट रहा था तो बेचारे सिर्फ आदिवासी ही उसके लिए लड़ रहे थे, जबकि जंगल से पूरे दुनिया को फायदा होता है, पूरे दुनिया को ऑक्सीजन मिलता है, पानी अगर सेफ रहता है तो उससे पूरे दुनिया का कल्याण होता है। लेकिन यही बात जो अमीर होते हैं नहीं समझ पाते हैं। गरीबों ने आज बचाया कि आज 50 के अंदर ही टेम्परेचर है, नहीं कब 60-65 हो जाएगा, हम मरने लगेंगे, उसका कोई अंदाजा ही नहीं है। यही भारत में बात करें जंगलों की तो बहुत ही बड़े बड़े जंगल हैं, जैसे हो गया आपका सुंदरबन का जंगल हो गया, और भी बहुत तरीके के जंगल हैं। विश्व की बात किया जाए तो अमेजोन जंगल हो गया, ऐसे ऐसे करके बहुत बड़े बड़े जंगल हैं जिनको फेफड़ा कहा जाता है, अपने पृथ्वी का हृदय कहा जाता है, जिनकी वजह से आज लोग जीवित हैं। तो दोस्तों यही मैं सबसे कहना चाहूँगा, अगर अपने जंगल को बचाना हो आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा ताकि हम लोग पूरी दुनिया सुरक्षित रह सके। अगर ये जंगल सेफ नहीं रहेंगे तो हम नहीं सेफ रहेंगे। एक समय अभी हम गर्मी से मर रहे हैं, आगे चल के हम पानी से भी मरने लगेंगे, बरसात नहीं होगी, हमारा टेम्परेचर हाई होगा तो पानी भी नहीं मिल पाएगा हमें। तो दोस्तों अगर आपको जीवित रहना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि अपने देश में ऑक्सीजन की मात्रा फुल हो सके। आपको पता है कोरोना में कितने लोग ऑक्सीजन की वजह से मर गए, यही कारण है। इसके बाद भी लोग सुधरे नहीं, इसके बाद भी लोगों को होश नहीं आया, तो अब से भाई होश संभालिए। कम से कम 5 पेड़ अपने घर के आसपास, अपने खेतों में, जहाँ भी मन करे आप जरूर लगाइए, और इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों के पास शेयर करिए ताकि अपने देश का संतुलन सही हो सके, अपने पृथ्वी का संतुलन सही हो सके। धन्यवाद। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सिर्फ आपके एक लाइक से हमारा वीडियो बहुत ही आगे तक चला जाता है, इसलिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।